तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी कंटिन्यूएशन वीडियो लेकर आऊँगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका नया टॉपिक यानी कंटिन्यूएशन वीडियो लेकर आ गई हूँ, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ऑल अबाउट मेडिकल। सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो दोस्तों इस इमेज को तो आप जान ही गए होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इस इमेज को जान लीजिए, पहचान लीजिए, तब तक जब तक आप 10th क्लास को पास नहीं कर लेते। वैसे तो ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी और आगे आपको याद रखनी है। हाय राम, इतने सारे कैसे याद करूंगा मैं। तो दोस्तों आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की इमेज। इसमें आप अगर माउथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप अलग अलग तरीके के पूरी इमेज में अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, और हम इन पार्ट्स के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में पूरी वीडियो में आगे पढ़ेंगे भी। तो जैसे कि आप अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं, टंग, माउथ जिसे कि बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, ईसोफेगस, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और एनस। तो ये सारे पार्ट जो हैं ये मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, और एक एक करके हम इनके फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस इमेज की हाफ पोर्शन से, यानी कि माउथ से, बक्कल कैविटी से। तो भाई ये सब तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो फूड हम अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं वो पास सिर्फ और सिर्फ सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से होता है, पर नेचुरली जो फूड होता है उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स को जनरेट करना होता है जो कि स्मॉल होते हैं और सेम टेक्सचर के होते हैं। पर फूड पार्टिकल को सेम टेक्सचर में लाने के लिए क्या होता है, द फूड इज़ क्रश्ड विद आवर टीथ, यानी कि टीथ की हेल्प से फूड को क्रश किया जाता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि जो कैनाल होती है, लाइनिंग ऑफ कैनाल, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और फूड जो है उसे वेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फूड का जो पैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो सके। अब जैसे कि आप एक खाने की थाली देख रहे हैं, पानी आया आपके मुँह में खाना देख कर, आपके मुँह में क्या भाई, सबके मुँह में आता है। अब बिल्कुल उसी तरीके से पानी तो आ गया, पर जो माउथ में जो वाटर है ये वाटर नहीं होता सिर्फ, ये जो फ्लूड है इसे सलाइवा कहते हैं, जो कि सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, माउथ में। और जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है फूड का जो कि हम इंजेस्ट करते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल में जाके एब्जॉर्ब भी होना होता है, और एब्जॉर्प्शन के लिए फूड का ब्रेक डाउन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड को ब्रेक कौन करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर से स्मॉल पार्टिकल्स में कौन कन्वर्ट करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिन्हें कहते हैं एंजाइम्स। तो जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, यानी कि जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि होता है किस में ब्रेक करता है, शुगर में। और द फूड इज़ मिक्स थॉरली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो दोस्तों आपने NCERT की बुक में एक वर्ड देखेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है। तो जो फूड होता है वो एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू अच्छे से जा सके, और उसका प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपरली हो सके ईच पार्ट में। इसलिए जो कैनाल की जो लाइनिंग होती है उसमें मसल्स होती हैं, और वो मसल्स जो होती हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि जो फूड है वो फॉरवर्डली पुश हो सके। तो ये जो मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को ही कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो दोस्तों जैसे कि आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, ये आप ही की NCERT का पैराग्राफ है,
तो ये पैराग्राफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसकी इमेज दिखाई है। तो इस इमेज से ही हम यहाँ देखेंगे और पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस, यानी कि माउथ से फूड जो है वो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस की हेल्प से स्टमक में आता है। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन, यानी कि स्टमक जो है वो एक्सपैंड हो जाता है जब फूड उसमें एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो स्टमक है उसकी मस्कुलर वॉल जो होती हैं वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक की जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उसी से ही डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन भी होता है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिड एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो तीन चीज़ें मेनली रिलीज करती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकेंड इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज़ पेप्सिन एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम बनाता है जिससे कि पेप्सिन एंजाइम का जो फंक्शन है वो फैसिलिटेट हो सके। वट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एन एसिड? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग स्टमक की। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, जिसमें है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्टमक है उसमें जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और रेगुलेट होता है थ्रू स्फिंक्टर मसल। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द पार्ट longest part actually of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of the extensive coiling। तो कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि जो small intestine है वो alimentary canal का सबसे longest part है और बहुत ही compact space में fit हो रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें coiling बहुत ज़्यादा है, extensive coiling है। The length of the small intestine differs in various animal depending ऑन द फूड दे ईट, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हर एनिमल में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उनके फूड के ऊपर। हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, यानी कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनको लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। और जो मीट होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोर्स एनिमल जैसे कि टाइगर वगैरह जो हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है, शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर एनिमल्स। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगली पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स का। इट रिसीव्स द सिक्रेशंस ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज की भी सिक्रेशंस आती है, किस लिए? डाइजेशन के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, यानी कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और जो स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एकॉम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, यानी कि जो लीवर से बाइल जूस आता है वो फैट्स पे एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, यानी कि इंटेस्टाइन में जो फैट्स होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
इसलिए एंजाइम का उनमें एक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नाउ बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. यानी कि बाइल सॉल्ट जो हैं वो फैट मॉलिक्यूल को लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में यानी स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं और एंजाइम का एक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. और आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर ऐसे जैसे कि इमल्सिफाइंग एक्शन होती है सोप की डर्ट के. यानी कि इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. द पैनक्रिया सिक्रीट्स पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक. यानी कि पैनक्रिया में पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट्स होता है जिसमें कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. नाउ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस का सिक्रीशन करती हैं. एंड द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होता है वो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. तो चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ जो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में है. तो लास्ट पैराग्राफ है द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें कहते हैं विलाई. अब विलाई का क्या फंक्शन है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं और हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में. द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. यानी ये जो विलाई हैं इनमें ब्लड वेसल्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सप्लाई हो रही होती है और ये ब्लड के थ्रू ही एब्जॉर्ब फूड जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में एवरी सेल हर सेल के पास लेके जाती है. और जहाँ पर जो सेल्स हैं वो फूड को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करती हैं, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़. और क्या क्या फंक्शन होता है कि नए टिश्यूज़ बनते हैं और पुराने टिश्यूज़ का रिपेयरमेंट होता है. नाउ द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज़ सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल. यानी कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आगे मूव करता है जहाँ पर और ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस एंड द वेस्ट मटीरियल जो होता है बाकी बचा हुआ मटीरियल वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है. एंड द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर. यानी एनल स्फिंक्टर की हेल्प से वेस्ट मटीरियल जो है वो रेगुलेट होता है. तो दोस्तों ये है मेरी एंड स्क्रीन और जो मेरी वीडियो का आपको लिंक दिखाई दे रहा है वहाँ पर टच करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं. और चैनल का लोगो जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर टच करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. और हाँ, अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक